प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिक्षक नरेंद्र कुमार वर्मा, पंडित संतोषी लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज की तरफ से। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं इस महामारी में आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिससे बीमारी हमारे समाज में और अधिक फैलने ना पाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्लासों के लिए जो अक्सर बोर्ड परीक्षा है, गृह परीक्षा है, इनमें टॉपिक पूछा जाता है पर्यावरण। और पर्यावरण बड़ा ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी हम इंट्रेंस परीक्षा में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पर्यावरण से बहुत सारे आते हैं। तो आज हम इस पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, प्रिय विद्यार्थियों, खासतौर से 6, 7, 8 वाले जाने कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि 9, 10 के बारे में तो कई कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का मतलब है कवच। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरे हो वो पर्यावरण। अब घेरे क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है पर्यावरण के अंतर्गत क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धूल के कण हैं, जलवाष्प है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझें कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण के प्रकार, विद्यार्थियों पहले हम ये समझने का प्रयास करें पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है कवच, जो हमारी पृथ्वी को एक कवच के रूप में चारों तरफ से घेरे हुए हो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें है क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश है, धूल के कण है, जलवाष्प है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो हमारी पृथ्वी पर हैं या हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं, ये सब पर्यावरण के एक प्रकार के अंग हैं। अब पर्यावरण दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से देखा जाए एक होता है भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, और दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है और मानवीय पर्यावरण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं, अब इसमें कुछ जैसे आते हैं, जैसे एक कई भेद हैं, जैसे जैविक पर्यावरण और अजैविक, इसको हटाओ तो ऐसे समझो, इसमें क्या है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु, फिर है तापमान, तापमान, फिर है मिट्टी, तापमान, मिट्टी, फिर है इसको कहते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें, क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति ने किया है तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मतलब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है मानवीय पर्यावरण, इसका निर्माण मानव ने स्वयं किया है। अब इसमें क्या है, जैसे नगर, जैसे सड़कें,
परिवहन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले समझें पेड़ पौधे। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी देखा जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पेड़ पौधे सजीव हैं कि निर्जीव हैं। तो पेड़ पौधे सजीव हैं। अब हम सबसे पहले जानें कि सजीव क्या है। सजीव क्या है मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीव पाया जाता है वो सजीव। तो ये मत समझ लेना विद्यार्थियों कि केवल हम ही सजीव हैं, हमारे अंदर ही जीव है। नहीं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, क्योंकि हमारे जैसी क्रियाएं होती हैं वैसे पेड़ पौधों में क्रियाएं होती हैं। हमारी क्या क्रियाएं होती हैं? जैसे हम भोजन अपना बनाते हैं वैसे पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं पेड़ की पत्तियाँ। जैसे सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में एक तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे मिल करके क्या बनता है? पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। जैसे हम गति करते हैं वैसे पेड़ पौधे भी गति करते हैं। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं वैसे पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो हमारी एक प्राणवायु है, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से देखा जाए तो पेड़ पौधे और मानवों का सीधा संबंध है, क्योंकि पेड़ पौधे अगर ना होते तो हमको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति ना होती और हमको दिक्कत होती। फिर क्या है? जीव जंतु। अब जीव जंतु होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं बहुत सूक्ष्म जीव जंतु जिनको हम इन साधारणतः आँखों से नहीं देख सकते, देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनको हमें दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत और क्या आता है? तापमान आता है, मिट्टी आता है। तो ये सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। फिर है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत जैसे नगर है, सड़कें हैं, ये सब इसका अध्ययन किया जाता है। तो नगर में जैसे क्या है, इसके अंतर्गत मानव ने निर्माण नगर किया है या नगरों का निर्माण मानव ने किया है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजें हैं, संस्कृतियाँ हैं, परंपराएँ हैं, ठीक है, सड़कें हैं, परिवहन है, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम जाने का प्रयास ये करें कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमारा पर्यावरण है, अब जो हमारे वातावरण में जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, त्यों त्यों हमारे पर्यावरण में क्या है? परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या आया है? जैसे एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी पर वनों की मात्रा ज़्यादा थी, मानव कम थे, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध था। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे मानवों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवों ने वनों को काटा। इस प्रकार से देखा जाए तो वनों और मानवों के बीच में संतुलन बिगड़ गया, जिससे हमारे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसीलिए एक इसमें शब्द आता है पर्यावरण प्रदूषण। क्या शब्द आता है? पर्यावरण प्रदूषण शब्द आता है। अब सबसे पहले जानने का हम प्रयास ये करें कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण शब्द अगर देखा जाए तो एक शब्द होता है दूषक शब्द। दूषक का मतलब ये होता है ऐसा तत्व जो किसी तत्व में उसकी गुणवत्ता का ह्रास कर दे। जैसे हमारी ऑक्सीजन है तो इसमें ऐसे तत्व मिल जाएं जिसकी उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो जाए, उसको हम कहते हैं क्या? प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए जब किसी तत्व में या गैस में प्रदूषक तत्व उत्पन्न हो जाए या दूषक तत्व मिल जाए जिससे उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो जाए,
तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण क्या होता है, अब प्रदूषण कई प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक होता है जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, तो पर्यावरण प्रदूषण को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, जैसे हमारी जो प्राण वायु है, जो मुख्य वायु है जिसके सहारे हम जीते हैं, वो है ऑक्सीजन। अब धीरे धीरे क्या है, जब पेड़ों का विनाश हुआ, वनों की मात्रा घटी, तो अब ऑक्सीजन की कमी भी घटी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वायु में जब प्रदूषक तत्व विद्यमान हो गए तो वायु प्रदूषण उत्पन्न हुआ। अब वायु प्रदूषण क्यों उत्पन्न हुआ, इसके कई कारण हैं, जैसे मानवों की संख्या में वृद्धि, कारखानों में वृद्धि, आवागमन के साधनों में वृद्धि, कारखानों में वृद्धि, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के होने से हमें जो है फेफड़े संबंधी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे देखा होगा श्वसन संबंधी जो रोग फैलते हैं वो किससे फैलते हैं, वायु प्रदूषण से फैलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वायु प्रदूषण है। दूसरा क्या है, एक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्या था, वातावरण बड़ा शांत होता था, और अब क्या है, जो जो कारखानों में वृद्धि हुई, आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई, कुछ ऐसे तो इंजन चलते हैं जिनकी आवाज़ बड़ी ही तेज होती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ध्वनि प्रदूषण है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं, कुछ वाजक यंत्र तो ऐसे होते हैं कि हमारा उसका संबंध सीधे हृदय से होता है। जैसे आजकल देखा होगा डीजे बजता है तो हमारे हृदय को जो हम सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है वो धक धक की आवाज़ करता है, जिससे ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार प्रदूषण है। फिर तीसरा है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण में क्या है, प्रिय विद्यार्थी, जैसे पूछ लिया जाए ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो जैसे वायु परिवहन है, और जल प्रदूषण भी कह सकते, ये जिसको कहते हैं वायु प्रदूषण है, परिवहन है, कारखाने हैं, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण है, जैसे वाद्य यंत्र हैं। फिर है जल प्रदूषण क्या है, प्रिय विद्यार्थियों, जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। और पृथ्वी को अनोखा ग्रह हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 71% जल है। कितने प्रतिशत है, 71% जल है। और कुछ जीव ऐसे, जितने जीव मान के चलो हमारी पृथ्वी पर मतलब स्थल भाग पाए जाते हैं, उतने ही जीव लगभग जल में भी पाए जाते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि हमारे स्थल पर बड़े बड़े जीव जंतु जो ज़्यादा पाए जाते हैं कि जल पर पाए जाते हैं, तो जल में पाए जाते हैं। जैसे एक मछली है, व्हेल मछली, जो सबसे विशाल मछली है जो जल में पाए जाती है, तो जितने हमारे स्थल भाग पर जीव जंतु पाए जाते हैं लगभग करके उतने जल में भी पाए जाते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है, जल में भी विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे इसमें भी ऑक्सीजन गैस होती है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं तो जल में भी ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसमें रहने वाले जीव जंतु मरने लगते हैं। यही जल प्रदूषण से प्रमुख हानि होती है। हाँ, तो विद्यार्थियों, जल प्रदूषण क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और श्वसन क्रिया में उनको जब दिक्कत होने लगती है, प्रदूषक तत्व तो उसमें मिल जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो यही जल प्रदूषण है, क्योंकि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। जब जल प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है तो परिणाम क्या होता है, इसमें रहने वाले जीव जंतु मरने लगते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि इस महामारी को देखते हुए आप घर में स्वच्छंद होंगे, और
कॉलेज के द्वारा जो भी ये समय समय पर वीडियो डाले जा रहे हैं उनका आप सदुपयोग करेंगे, बोर्ड पर जो भी सर पढ़ाते हैं उसका नियमानुसार नोट्स बनाएंगे और विधिवत पढ़ाई करते रहिए। हमको अगर आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो हम इस महामारी में निराश होकर ना बैठें बल्कि निरंतर प्रयास करते रहें जिससे हम जिंदगी की जंग को जीत सकें। धन्यवाद।